बिहार के तेजतर्रार आईपीएस और गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव सिवान पहुँचे। आईपीएस अफसर विकास वैभव ने अभियान लेटेस्ट इंस्पायर बिहार के तहत शहर के महावीर सरस्वती विद्या मंदिर में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आईपीएस विकास वैभव ने शिरकत किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं और स्काउट गाइड के बच्चों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आईपीएस विकास वैभव ने छात्र छात्राओं से संवाद भी किया। विकास वैभव ने कहा कि सिवान बिहार का महत्वपूर्ण जिला है, बिहार के इतिहास में युवाओं को प्रेरित करने का काम किया जा रहा है। अच्छे समाज के निर्माण के लिए काम करें, जातिवाद से उठकर काम करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं विकास वैभव ने क्या कहा। बिहार का बहुत महत्वपूर्ण जिला है। बिहार की भविष्य की परिकल्पना के साथ जिस अभियान को मैं मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहा हूँ, उसका उद्देश्य यही है कि बिहार की विरासत से हमारे युवा प्रेरित हों और वर्तमान में ऐसा योगदान करें जिससे हमारा भविष्य बहुत उज्ज्वल हो। बिहार के इतिहास में बहुत प्रेरणा विद्यमान है। ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी, जनता की भूमि थी। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो हमें प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन तभी होगा जब हम आज कुछ योगदान देंगे, चिंतन करेंगे क्यों हम इस प्रकार की विकृति को देखते हैं जो सामान्यतः दिखती है, और छोटे छोटे बातों से ऊपर उठकर कैसे हम सहयोग की भावना जागृत करें और एक साथ मिलकर अच्छे समाज के निर्माण के लिए काम करें। तो इस उद्देश्य को लेकर मैं बिहार के विभिन्न जिलों में चैप्टर्स हमारे बन रहे हैं उन लोगों से जो स्वैच्छिक रूप से चाहते हैं बिहार के भविष्य के लिए कुछ करना, छोटे छोटे से ऊपर उठना, जातिवाद से ऊपर उठना, संप्रदायवाद से ऊपर उठना, मिलकर कुछ करना। जैसे जब कुछ नहीं था, मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, संचार के माध्यम नहीं थे, लेकिन तब मगध में जब प्रेरणा जगी और ऐसी प्रेरणा जगी कि उसने शासक वर्ग से अलग व्यक्ति को भी सक्षम पाते हुए शासक बनाया, और जब विस्तार हुआ तो अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण हो गया। ऐसे बड़ी सोच चाहिए, छोटे छोटे सोच से ऊपर उठकर जिसमें वेदांत का दर्शन हो, वेदांत की भूमि यही रही है। सोच ऐसी चाहिए जो उद्यमिता की भावना हो, चंपा जैसे नगरों का विकास कर सके जिससे दूसरे देश अपना नाम उस पर रख सके। लगा रहे हैं लड़ने में आपस में,
उन चीज़ों से ऊपर उठकर जब हम सोचेंगे तो निश्चित ही हम ऐसा कुछ दे पाएंगे, बिहार भविष्य को गौरवशाली बनाएगा उस अतीत से भी अधिक जो हमने कभी इतिहास में देखा है। सर, आपने आधुनिक भारत में राजेंद्र प्रसाद जैसा खुद प्रेरक व्यक्तित्व तो इस बिहार ने दिया है, क्या लग रहा है कहाँ चूक हो गई कि फिर उसके बाद वो प्रेरणा जो है आगे नहीं बढ़ पाई? देखिए, सफल व्यक्ति आज भी बिहार में है, बिहार के बाहर जाकर भी बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो स्तर होना चाहिए, जो जिस प्रकार का विस्तार होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें चूक रहे हैं। और चूकने का मेन कारण यही है कि भाई आज भी हम जो बिहार के अंदर आप हर चीज़ में देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का छोटे छोटे वाद में फंस रहे हैं, जातिवाद में उलझ जा रहे हैं। जहाँ देखना चाहिए दर्शन दृष्टि वहाँ तक जाते ही नहीं, दृष्टि रुक जाती है वहीं पर जहाँ आप अपने स्वार्थ में उलझ जाते हैं, जातिवाद में उलझ जाते हैं। उससे ऊपर उठकर नहीं सोचेंगे तो फिर बिहार की जो स्थिति होगी और अच्छी नहीं होगी। जैसे हम कल्पना करते हैं तो अच्छा करना है तो प्रेरित करना होगा, और सबसे अच्छा व्यक्ति जो प्रेरित हो जाएगा युवावस्था में, वह जो योगदान कर सके आने वाले भविष्य में, उसकी क्षमता उनमें नहीं है जो उम्र के उस पड़ाव को पार कर चुके हों, जिसमें उस प्रकार की सोच विकसित नहीं हो सकती। तो मेरा लक्ष्य है युवाओं से बात करने का, विद्यार्थियों से बात करने का, आने वाले समय में बिहार के लिए कुछ करें, स्वयं स्थापित हो जाएं, परिश्रम करके शॉर्टकट से दूर हटें, परिश्रम करें और कुछ ऐसा प्रयास करें जिससे जो गौरव हमने इतिहास में देखा था भविष्य में भी देख सकें। सर, देखा है तो क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है, वैसे में हम लोग की ये सोचोगे कि ना पुलिस से दोस्ती ठीक है ना दुश्मनी ठीक, वैसे में किस तरह से बदलाव? पुलिस भी आती है समाज से निकल के आती है, तो समाज को वैसे ही पुलिस मिलती है जैसे समाज खुद होता है। तो यदि पुलिस को आपको लगता है खराब है तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा पुलिस में निश्चित विकृतियाँ होंगी, उसके लिए पुलिस का पूरा सिस्टम है, दंड का प्रावधान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यदि समाज में खुद आप देखिए जिन चीज़ों से पुलिस ग्रसित है, क्या समाज उससे ग्रसित नहीं है? आवश्यकता एक समाज में एक वैचारिक परिवर्तन की, एक वैचारिक क्रांति की है, जिसको हम कहते हैं रेनेसां। तो बिहार ने कभी उस समय जब वेदांत का दर्शन जो कर सकते थे, आज भी हम अपने समाज से ऐसा उदाहरण नहीं प्रस्तुत करें तो पूरे भारत को, पूरे विश्व को आलोकित कर दे। छोटी चीज़ों के समय सर कितने विकास वैभव की जरूरत है? इस बदलाव विकास वैभव तो निमित्त मात्र हूँ मैं, तो बस मन में कल्पना जगह, कल्पना मेरी नहीं है, इसी बिहार की प्राचीन मिट्टी की कल्पना है, भूमि की कल्पना, प्रेरित करके बुलाती है, कहती है कि भाई देखो तुम क्या थे। यदि आज कमी है तो हर व्यक्ति को जगाना होगा, मैं जगा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और को जगाने का, आपसे भी आह्वान करता हूँ कि और लोग जगाइए, बताइए आप क्या थे, क्षमता वही है, ऊर्जा वही है, लगाइए सही दिशा में, मिलकर सहयोग कीजिए, निश्चित हम भविष्य को बदलें। अगर आपको राजनीति में आने का मौका मिलता है तो क्या आप आना? राजनीति भी एक माध्यम है, सेवा में वो भी एक माध्यम है, माध्यमों की कमी नहीं है, जो भी माध्यम मिले समाज के लिए आपको कार्यरत, यदि आप चाहते हैं समाज बदलाव हो तो जहाँ भी आप हैं, आप शिक्षक हैं उस रूप में भी, आप राजनीति में उस रूप में भी प्रयास कीजिए, मिलकर प्रयास बड़ा होगा, निश्चित हम भविष्य। सर, बिहार की गौरवशाली परंपरा के लिए सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है मनोवृत्ति को बदलना, मनोवृत्ति को बदलने के लिए सर अचूक क्या चीज़ है? सबसे पहले तो ऐसे लोगों को जोड़ना होगा जिनका चिंतन सकारात्मक हो, लेट्स इंस्पायर बिहार जो कैंपेन है, ऐसे लोगों को जुड़ने का प्रयास। जब हर जिले में कुछ ऐसे यूथ जो सकारात्मक सोचते हैं जुड़ेंगे, उनके जुड़ने से, उनके द्वारा कार्यक्रमों को करने से, उनके द्वारा और लोगों को बताए जाने से, तो हमारे तीन मुख्य बिंदु हैं शिक्षा, समता, उद्यमिता। शिक्षा की भावनाओं को जगाना है हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में, हर प्रकार के ऐसे विद्यार्थियों में कि मेहनत करके पढ़ें और उस रूप में पढ़ें जिसमें उनको इस बात की भी जानकारी हम क्या थे, और उस भावना के साथ समता की भावना, आपस में भेदभाव को मिटाना है, और जो सामाजिक कार्य में जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको जोड़कर इस प्रकार के एक नेटवर्क का विकास करना है जिसमें जो सक्षम है उनकी मदद करें जिनको उसकी आवश्यकता हो। सर, बिहार के बहुत लोग उस जिले के हैं जो बाहर रहते हैं, बहुत सक्षम है, लेकिन उनको हम जोड़ना चाह रहे हैं उन लोगों से जो जिले के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके मन में भी आज भावना है कि हम कुछ करें, लेकिन उनको माध्यम नहीं है, उससे माध्यमों का हम निर्माण करना चाहते हैं। दूसरी बात उद्यमिता की है जिसमें रोजगार के अवसर, केवल ये नहीं सोचना कि भाई किस प्रकार से कौन सी परीक्षा देके हम किसी तरह सरकारी नौकरी लेने, किस प्रकार की पैरवी करा के लेने, आप अंदर से चिंतन कीजिएगा तो नए अवसर बहुत मिलेंगे। आजकल तकनीक ऐसी है, बहुत सारे माध्यम ऐसे हैं, सरकार के द्वारा बहुत सारी नीतियाँ इस प्रकार की हैं जिसका हम बारे में जानते नहीं, थोड़ी जानकारी मिले उसमें, ऐसे बहुत लोग हैं उसी परिदृश्य से निकल कर बहुत सफल भी हुए, उनके द्वारा ऐसे कार्यक्रम किए जाएँ और रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं लोगों को, स्वरोजगार की दिशा में भी कार्य करें। अभी दिल्ली में कार्यक्रम लोग करने वाले हैं 25 दिसंबर को, जिसमें बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव हम लोग करेंगे, बिहार उद्यमिता पे पूरी तरह से फोकस होगी, और उसमें एक पोर्टल का हम निर्माण कर रहे हैं जिसमें कि जो लोग रोजगार चाहते हैं और लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़े हुए हैं तो अपना रोजगार के लिए फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन, और ऐसे लोग बिहार के जो बाहर हैं या बिहार में भी हैं जो लोग चाहते हैं लोग एम्प्लॉय कर, उस नेटवर्क को हम लोग क्रिएट करना चाहें, बिहार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, उनके स्किल सेट के लोगों को उपलब्ध करा सकें और मिलकर ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जिसका भविष्य उज्जवल। सर, प्रशासनिक सेवा की जो तैयारी कर रहे हैं, और अंतर में विश्वास जगाओ, स्वयं विधाता हो रहे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, पूरी क्षमता आपके अंदर विद्यमान है, निराश न हो,
डिजायर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, इन चीजों के साथ यदि आप चलते हैं निश्चित सफलता मिलेगी। एक सवाल सर ये कि शिक्षा के क्षेत्र की बात में जो हुई है कि शिक्षा में एक विश्वास लगाने की बात है, शिक्षा के लिए मूलभूत समस्या यहाँ बिहार में है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए हम लोग जो लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से चाह रहे हैं, एक तो विद्यार्थियों में प्रेरणा जगाना एक बात, दूसरी बात वो शिक्षकों में प्रेरणा जगाना चाहते हैं। किसी भी माध्यम से शिक्षक बन गए तो यदि आप अपनी कर्तव्यों से विमुख होते हैं तो निश्चित आप बहुत बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो स्किल सेट को अपग्रेड करने की बात है, उसके लिए हम मदद देना चाहते हैं उन लोगों की जो थोड़े सक्षम, वैसे कार्यशालाओं का आयोजन हो, सरकारी विद्यालयों में भी हो, गैर सरकारी विद्यालयों में भी हो, और साथ में जो शिक्षक हैं उनको भी आपस में एक करके ऐसी प्रेरणा को जागृत करने की आवश्यकता है कि अपने कर्तव्यों से विमुख न हो, उनके द्वारा छोटे छोटे जो कर्तव्य बोध के साथ योगदान दिया जाएगा निश्चित ही उसका भविष्य बहुत बड़ा योगदान। थैंक यू सर।